वी लेट मी गो टू डॉक्टर साहब एंड डॉक्टर बाजेंद्र सर प्लीज़ टेल मी, मेरे को ये दिक्कत हो रही है, आप बताइए, आई जस्ट वॉन्ट टू सिट विद यू फॉर 5 मिनट्स। कितने स्टूडेंट जाते हैं आप देखिए, सर आपके साथ 5 मिनट बैठना चाहता हूँ, एनी डे यू से सर आई विल कम। वो थॉट प्रोसेस की, जो वन हु इज एन अचीवर हैज अचीव्ड सो मच, इफ आई सिट विद हिम आई विल गेन, इफ आई एनालाइज माई थॉट प्रोसेस माई एक्टिविटीज, कि दोस्तों के साथ हर वक्त गप क्या मारनी है, दोस्तों के साथ बुराई नहीं, ऐसे मस्ती करो दोस्तों के साथ, बट आई एम वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट, कितनी मस्ती करो दैट यू हैव टू लिमिट, ऑल द टाइम ऑल द टाइम ऑल द टाइम विथ फ्रेंड्स इज नॉट गुड, सम टाइम बी विथ सेल्फ, दैट वुड टेक यू टू प्लेसिस, वुड मेक यू डिफरेंट क्लास, वुड मेक यू गालिब कबीर और बुल्ले शाह, दैट वुड मेक यू को अपने साथ बैठते थे और देखिए क्या खजाना दे गए, स्कूल कॉलेज नहीं गए, उनकी पोइट्री पे थीसिस लिखी जा रही है। सो यू हैव टू चूज, मेरे को किस कैटेगरी में आना है, पैदा हुए और मर गए कुछ करना है, 5 मिनट्स जस्ट थिंक ऑन सेल्फ, रिलैक्स योर बॉडी माइंड एंड सोल, जिस दिन में जब भी टाइम मिल जाए रिलैक्स योर बॉडी माइंड एंड सोल, मेक इट ए हैबिट, इट्स ए फुल टाइम जॉब, इट्स नॉट पार्ट टाइम जॉब, लास्ट एक्सरसाइज मैं आपको मैं बता रहा हूँ, फुल टाइम जॉब इस पर खत्म कर फिर दोबारा मिलेंगे ऐसी बात, सो यू कैन ऑल बी इन टच विद मी इधर ऑन फेसबुक और ईमेल और एसएमएस मी, कबीर फैन आप भूलोगे नहीं कि उस जो आया था क्या नाम था उसका, नाम नहीं पता, कबीर का फैन था इतना हमें पता है, तो कबीर फैन इज़ माय ईमेल KABIR FAN, इसी से फेसबुक है, इसी से सारा करंट चलता रहता, सो एवरीबडी इज़ वेलकम टू बी इन टच, एंड एनी पर्सनल क्वेश्चन दैट ऑफ कोर्स यू आर नॉट टू ईमेल मी, दैट यू आर टू सीक टाइम, क्योंकि मैं ईमेल कई बार और भी लोग खोल लेते हैं दूसरे लोग, आई विल गिव यू सेपरेट ईमेल फॉर पर्सनल क्वेश्चंस एंड दैट यू कैन गेट फ्रॉम कबीर। क्या मैं आपको कह रहा था, फुल टाइम, दिस इज फुल टाइम जॉब, वी एंड विद दिस, दिस नॉट पार्ट टाइम जॉब, आई विल टेल यू अ जोक ऑन दिस एंड एंड। एक बड़े अच्छे कॉलेज के आप जैसे स्टूडेंट्स थे, देवर फ्रॉम गुड फैमिलीज, गुड स्टूडेंट्स, गुड स्पोर्ट्स पर्सन, गुड एक्टर्स, सब कुछ अच्छा था, लेकिन ऐसे ही वो दिल को एक बार पढ़िए करते थे। एक दिन उन्होंने दिल को एक बार सबने पढ़ा और बोला कि यार हम सब कुछ ठीक करते हैं बट आवर लैंग्वेज इज़ नॉट गुड, टुमारो वी आर टू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड, वी आर टू इंटरमिंगल इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड, आवर लैंग्वेज शुड बी पॉलिश्ड डिसेंट, नॉट रफिन्स लाइक रफिन्स, वी यूज समटाइम वर्ड्स विच आर नॉट गुड, सो वी शुड इम्प्रूव। ठीक है, रेजोल्यूशन पास हो गया, वी शुड इम्प्रूव, देन हाउ वी इम्प्रूव, दिस बेस्ट वे टू इम्प्रूव इज टू मेक कन्फेशन, जितनी बार आप गलती करो आके कन्फेशन करो, जब जब आप कन्फेशन करते हो अंदर अपने आप को रियलाइजेशन होता है कि मैंने ये गलती नहीं करनी, एंड इट गेट्स इनटू योर सिस्टम। ठीक है, ये भी हो गया, कन्फेशन करेंगे, बट अब सवाल ये आया कि कन्फेशन करें और सब लोगों के साथ मजाक उड़ाएं, ये भी तो कोई जायज़ नहीं है, कन्फेशन हम आपस में कर रहे हैं तो बाकी लोगों को, बाकी क्लास को क्या मतलब है, वी शुड हैव ए कोड वर्ड। ठीक है, कोड वर्ड रख लेते हैं, तो कोड वर्ड रखा उन्होंने गुड मॉर्निंग, कि एनीबडी मेकिंग मिस्टेक्स इन द प्रीवियस डे ही वुड कम एंड से गुड मॉर्निंग एज मैनी नंबर ऑफ टाइम्स, तो नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट डे क्लास में एक बच्चा आया उसने बोला गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, समझ गए आप कितनी बार गलती की, दो बार, नेक्स्ट स्टूडेंट आया ग्रुप का बोला गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सो क्लास कुड नॉट अंडरस्टैंड बट द ग्रुप अंडरस्टूड, ही डिड इट थ्राइस, then third student comes and he says good morning good morning good morning good morning, तो क्लास को नहीं समझ आया और दोस्तों को समझ आ गया, उसने कितनी बार गलती की, 4 times। अब लास्ट टर्न था मेरे जैसे बेवकूफ का, उसको याद ही नहीं, वो बोला गुड मॉर्निंग अनटिल मॉर्निंग, सब परेशान हो गए, बाबा ये कोर्ट तो डिस्कस ही नहीं हुआ था, गुड मॉर्निंग अनटिल मॉर्निंग क्या है, सो ड्यूरिंग इंटरवल दे आस्क्ड हिम कि बाबा ये गुड मॉर्निंग अनटिल मॉर्निंग क्या फार्मूला बनाया, तो ही सेड गुड मॉर्निंग अनटिल मॉर्निंग मैंने इसलिए बोला कि मैं सुबह से शाम तक भूल ही गया, दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड्स, दिस फोकस हैज़ टू बी गुड मॉर्निंग अनटिल मॉर्निंग, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये प्रिंसिपल फंडामेंटल है, आई कांट बी एल्सवेयर वाइल टीचर इज टीचिंग मी फॉर 5 मिनट्स, बिकॉज इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि उस 5 मिनट में जो पढ़ाया था वही सब लेक्चर में टेस्ट में आ गया एग्जाम में आ गया, सो यू कांट गो टू डायरेक्टर सर मैं तो 95% फोकस थी सर, मेरे को 5% नंबर मिले हैं ये क्या बात है, इल से बाबा
शेक्सपियर सेज वर्ड इज अ स्टेज, आई विल गिव मार्क्स ऑन योर आंसर शीट व्हाट इज रिटन, आई कांट कीप ट्रैक ऑफ दिस हु वाज फोकस हाउ मेनी टाइम्स. ए जज व्हेन टुमारो यू आर आर्ग्यूइंग बिफोर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट विल नॉट से ओ बेटा यू आर ब्रिलियंट, आई हैव सीन योर मार्क्स, वेरी गुड वेरी गुड. इतना तो मौका ही नहीं मिलेगा. विद इन सेकेंड्स यू हर टू परफॉर्म, सावधानी हटी दुर्घटना से यू हैव टू बी फोकस. इतना मौका नहीं मिलेगा कि यू आर ब्रिलियंट, नो. इन दोज फ्यू सेकेंड्स यू हर टू परफॉर्म. इफ यू आर ड्राइविंग फॉर वन सेकेंड यू लूज कंसेंट्रेशन, यू आर रूइन द डिच. दैट इज अ मैसेज ऑफ लाइफ. एनी वेयर वन सेकेंड, एनी वन सेकेंड वेन आई लूज कॉन्सेंट्रेशन, आई कैन बी इन डिच ऑफ लाइफ. देयरफॉर दे से फोकस गुड मॉर्निंग अंटिल मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अंटिल मॉर्निंग. एंड दैट वी हैव डिस्कस हाउ टू मेंटेन दैट फोकस, वट आर द एक्सरसाइजेज, वट आर द थिंग्स विच डिस्टर्ब फोकस आई एम टू थ्रो आउट ऑफ माई सिस्टम, वट आर द थिंग्स विच ब्रिंग बैक फोकस आई एम टू इम्बाइव इन माई सिस्टम. तो चलेंगे, ये बात चलती रहेगी, दूर तक लग जाएगी. थैंक यू वेरी मच फॉर मेरे को बर्दाश्त करने. सिद्धांत क्यों कम है? यस.